तो भीड़ देख सकते हो आप लोग, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की भीड़ है। ये थोड़ा अजीब है तो ध्यान मत देना, और भीड़ देखो। A few moments later. फाइनली और यहाँ पर देखो प्रसाद भी बट रहा है, देख सकते हो 100 रुपये वाला प्रसाद, और यहाँ पर लोगों ने प्रसाद भी गिरा रखा है। है गाइस, अभी हमने दर्शन करके माता रानी का हम नीचे आ चुके हैं, और इससे पूछो ना कितना टाइम लग गया माता रानी से मिलने के लिए? हमें टाइम बहुत लग गया, हमने सोचा, मैं देख रहा हूँ, मैं निकला था 12:50, तो अभी टोटल बज रहे हैं 2 घंटा 40 मिनट तक लग चुका है हमें पूरा ऊपर ही। इतना टाइम ये बोल रहा था आधे घंटे में, पहले ये आया था एक दिन और, तो मैं बोल रहा था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये आया था इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। ये क्या बात हुई, मैं आया था इसे एक्सपीरियंस, तो तू बोल रहा है ना कि मैंने बोला है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दोगलापन है। अब वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची हो क्या? तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और ब्लॉग देखते रहो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अभी हम धीरे धीरे नीचे की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर भी लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो ऐसे ही तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रात को तो ये दिखा नहीं उतना, तो अभी देख सकते हो बहुत ही कमाल का व्यू। और अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ, और ये कुछ छोटे बच्चे जो अभी भी हमारे साथ घूम रहे हैं, और ऐसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत टाइम लग गया, ये वाला नजारा दिखा तुमको, देख लिया पहाड़ नहीं देखा। हम नीचे उतरते वक्त ये हमने रात को तो नहीं देखा था, ये माता श्री महाकाली मंदिर है, तो देख सकते हो इसके अंदर लोग पूजा देने जा रहे हैं। तो वो आप भी आइए तो कभी यहाँ पर भी जाइए, और यहाँ का भी भीड़ देख सकते हो। और अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ। अरे भाई व्यू कितना खतरनाक आ रहा है सुबह का। अच्छा ये तंबू है, मैं सोच रहा अलग ही मौसम हो रहा है। तो भाई गाइस, अभी हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं, हमने दर्शन ये सब पूरा अच्छे से कर लिया। और ये भी देखो आराम से, मतलब फ्री होके आ रहा है ये। तो चल रहे हैं, 2 जने आगे हैं और 2 जने पीछे हैं, और हम बीच में हैं। पता नहीं कौन सा लॉजिक है, लेकिन है। बंकर आगे मत जा, ब्रिज कैंपिंग हो रही है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे मार देंगे। नदी में कोई है क्या? अरे ये नदी कैसे सूख गया? अरे यहाँ पर मत जा, इसको बे तो पहले आगे देख, ब्रिज कैंपिंग कर रहे होंगे। कार के पास देख, कार के पास व्यू देख सकते हो, बहुत ही कमाल का है। और ऊपर मतलब इस टाइम जब कोई भी जाता है ना, ज़्यादातर लोग सोचते हैं बहुत ही गर्म होगा जब भी हम जाएंगे, लेकिन आज का मौसम बहुत ही मस्त है, क्या ही बोलूँ। तो मौसम देख सकते हो, आज ऊपर थोड़ा बादल टाइप का है, ब्लैक ब्लैक, बारिश ना हो जाए बस। तो मौसम बहुत ही सनी टाइप का है, और बहुत ही मस्त, कोई गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। और नॉर्मल टाइम पे ज़्यादातर गर्मी होती है, जो कि पसीना ही पसीना बह जाता है हमारा। तो अभी क्या ही बोलूँ, बहुत ही मस्त आ रहा है मौसम, देख सकते हो, जो व्यू देख सकते हो। यहाँ पर घर किस टाइप से बना है, तो पूरा सपोर्ट है घर पे। और अभी हम जा रहे हैं फिर से अपने बस की तरफ, तो चलते हैं। तो है गाइस, और क्या कर रहा है ये छुट्टियाँ। तो है गाइस, अभी हम तो निकल चुके हैं अपने रिवर्स यात्रा में, जो कि हमें वापस जाना पड़ रहा है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से, और जो मैंने बोला था आज का जो मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज कमाल का मौसम है। मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें। तुझे कैसा लग रहा है? तो सुहाना। अरे धीरे धीरे, तो बच्चे पता नहीं हमारे साथ आके पूरा, मतलब इनका ध्यान रखना पड़ता है जब भी हमारे साथ जाते, कौन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अगली बार ये छोटे बच्चा है तो 1 लात मारना पड़ेगा हमें। तो वीडियो देखते रहो। और अभी चल रहे हम, और यहाँ का थोड़ा व्यू देखो, व्यू देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल का व्यू होता है यहाँ पर। आपको कैमरे में उतना कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या है यहाँ पर। तो बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ का, क्या ही बोलूँ, फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक। और वीडियो देखते रहो। तो है गाइस, मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पर बैठना पड़ गया क्योंकि मेरे जो टीममेट, अरे यार पबजी खेल खेल के टीममेट क्या क्या बोलता हूँ रे भाई, खेल क्या ही चल रहा है। और हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला था मैं, ठीक है। यहाँ पर पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा सा बारिश, अब पता नहीं क्या होगा, भीग के जाना पड़ेगा या पता नहीं। अभी तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है यहाँ पर, और मौसम भी बहुत सुहाना है, लेकिन बारिश गिरने का चांस है। तो वेट करता हूँ, पहले उनको आने देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। यहाँ का व्यूज़ देख सकते हो, ये है शारदा नदी। तो हमें पता नहीं यार कहाँ जाना पड़ेगा, बस हम तो रोड को फॉलो कर रहे हैं, और कहाँ जाके पहुँचाएँगे पहाड़ के रास्तों में पता नहीं। अभी चलते हम, अभी हम लोग लेने वाले यहाँ से शॉर्टकट। ये फर्स्ट टाइम पता चला यह वाला जो शॉर्टकट है। भी मेरे जूते के नीचे थोड़ा प्लास्टिक ये सब लगा होता है, तो फिसल ना जाओ। आराम से जा रहे हैं सभी लोग, देख रहे हो। तो और मैं तो एक हाथ से ब्लॉगिंग और दूसरे हाथ पॉकेट में डाल के चल रहा हूँ। तो मैं अपना ब्लॉगिंग यहाँ पर बंद करता हूँ और आराम से बैठ के जाता हूँ। गाइस देख सकते हो, अभी जस्ट हमने शॉर्टकट तो ले लिया, और अब कोई चीज़ बताता हूँ। और वो तो शॉर्टकट था, उसके बाद और एक बार शॉर्टकट लिया, और दूसरा वाला जो शॉर्टकट था ना, बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई खो गया, आप बरेली से आए हुए, चल रहा माइक पे। और जो शॉर्टकट लिया ना, हमें पूरा मज़ा आ गया, मतलब पहली बार इतना मज़ा आया पुन्नगढ़ी में अभी शॉर्टकट लेते हुए पहाड़ों के बीच में से, अलग ही लग रहा था। तो है गाइस, अभी हम नीचे की तरफ तो आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं शारदा नदी की तरफ, तो चलते हैं। तो है गाइस, आप लोग सोच रहे हैं हमने ये ऊपर से क्यों डाला, क्योंकि ये है नेपाल, और नेपाल की गर्मी बहुत फेमस है, और भी फेमस है लेकिन गर्मी भी बहुत फेमस है। और इसका हाल देखो, ये काला हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं सफ़ेदी कब था ये बोल रहा, सफ़ेदी कब था। बात तो सही है, लेकिन क्या ही बोले। हम डायरेक्ट शारदा नदी से नहा धो के मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, नेपाल का मंदिर। तो देख सकते हो ऐसा है कुछ भीड़, और नज़ारा बहुत ही प्यारा नंबर है ये। और इस तरफ देख सकते हो, इस तरफ जा रहे हैं हम। तो लोगों का भीड़ यहाँ पर भी काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक ठाक बहुत। और ये है मेन मंदिर जो आगे आपको दिख रहा है। तो थोड़ा और आपको इस मंदिर को एक्सक्लूसिव वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा देता हूँ। मुझे एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही इस टाइप का ही होगा। देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत शानदार पूजा होता है, और ऐसा कुछ नज़ारा अंदर की तरफ देख सकते हो, लोगों की भीड़। यहाँ पर मंदिर ही मंदिर मिलेगा आपको, और कैंदी हुंदी सी गाइस। गाइस अभी हम कौन सा मंदिर, ये कौन मंदिर कौन सा है, पता नहीं है। भैरव बाबा मंदिर है, वो शिव मंदिर भी है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन मेन शेरो देव मंदिर है, भैरव बाबा मंदिर, ठीक है। गोरा नहीं है तो बस फिल्टर का कमाल है। मैं तो बस मेमोरी सेव कर रहा हूँ, और आप लोग देखते जाते हो। चलो देख रहे हो तो देखते ही रहो, लोगों को बोलो सब्सक्राइब भी कर ही दे। आप बाहर की तरफ निकल चुके हैं, और ये है नेपाल का एक दुकान साइड। यहाँ पर सभी दुकानें मिल जाएंगी आपको, मार्केट है ये, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली मार्केट है ये। hey guys, अभी हम जा रहे हैं नेपाल से, अभी हम अपनी बस की तरफ। आगे दिखाओ, तो देख सकते हो। तो ये सब चल रहे हैं आगे, ये विशाल पांडे, लेकिन इसका हम भोसड़ी के पांडा कहते हैं, इसको टू कर देना, ठीक है, ठीक है, टू। और ये शुभांकर बहुत बढ़िया बंदा है, कंडक्टर है हमारा, इस बार बस लेके यही आया है। देखो शक्ल अच्छे से दिख नहीं रहा, काला बंदा है, और ये अपने अलग दुनिया में खोया हुआ है। गाइस अभी हम चलते चलते वहाँ से चल के एकदम आए, बिल्कुल खतरा रोड है, पैरों में बिल्कुल दर्द हो चुका। और ये सीन देखो, व्यू देखो, मतलब सीन तो नहीं, व्यू देखो। और वैसे भी यहाँ पर मैं जितनी बार भी आया हूँ ना, तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन देखने को मिल ही गया मेरे को, जहाँ पे मैं अटक गया था ना, वो काट देना। तो ये भी देखो, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही चल रहा है। वो गाड़ी वाड़ी खड़ा है, ये अपने दुनिया में, हम अपने दुनिया में है। और सामने ये 1-2 किलोमीटर का ब्रिज है, वो भी पार करना है, तो समझ रहे हो। तो ये 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है कम से कम। ये सब दोगलापन नहीं देख सकते हो। गाइस पीछे देखो कितना लंबा, ये यहाँ से लेके वहाँ तक वो एंड है, और ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है। तो ज़्यादा साइड में बच्चे वरना गिर भी सकते हो आप खाई में। खाई तो नहीं यहाँ पे पानी है, खाई से ज़्यादा डर पानी का होता है कि खाई में तो मैं इनको ढूंढ लूँगा लेकिन पानी में ढूंढ पाएंगे जब तक ये मरेगा, उसके बाद क्या बॉडी बाहर आएगा। ठीक है, तो पीछे बाइक अभी आ नहीं रहा तो हम इधर चल लेते हैं। और मेरे हाथ में दर्द हो गया तो आपको दिखाते हैं ब्रिज। तो गाइस अभी हम नेपाल से निकल के डायरेक्ट हम फिर इंडिया आ चुके हैं। इंडिया आके ब्लॉग चल चुका क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी और टेंशन ही टेंशन। और पीछे का व्यू देखो, शारदा नदी ये भी है। और इसमें नहाया था, शायद इसने ब्लॉग शूट किया है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको डॉक्यूमेंट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। मैंने नहाया था ये भी था शायद, आई थिंक सो, आई एम नॉट कन्फर्म कि ये था कि नहीं, लेकिन पीछे ये शारदा नदी है, इसी में नहाया था हमने। लेकिन ये नेपाल मतलब नेपाल से होके आ रहा है, ये नहीं आ तो ये इंडिया से ही रहा है लेकिन नेपाल होके फिर इंडिया में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये इंडिया का ही है। और ये हमारी इंडियन आर्मी है शायद, और बंदूक भी है साथ में। तो इंडियन आर्मी का मैंने थोड़ा सा तारीफ क्या कर दिया, इन लोगों ने मेरा बेइज्जती कर दिया, इसका खासकर क्योंकि इसका चैनल है, थोड़ा सा जगह है और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है। लेकिन ये गलत बात था उनका, ये बनकर इसे ये क्या होता है वो बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटे, क्योंकि हम भी तो इंडियन ही है ना, हम थोड़ी नेपाली है, है कि नहीं, पाकिस्तान है, ये झूठ बोल रहा है वो है। गाइस अभी हम आ चुके हैं नानक मत्ता और पीछे देख सकते हो दरबार है और... अभी तक सोया हुआ था और अभी है गाइस, अभी तक ब्लॉग मैं बना रहा था इसका, इसका आंखें देखो, आंखें देखो, मैं सोया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब दोगलापन है, मैं बताता हूँ। तो गाइस इसको किसने सिखा दिया था सब कुछ दोगलापन है, श्री नानक मत्ता साहिब। तो कुछ समझ में आया इसकी बात है नहीं ना, तब मेरी बातें सुनो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे और फिर से बस में बैठेंगे, घर की तरफ जाएंगे और मैं आराम से सो जाऊँगा और वहीं पर ही ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो सिंपल है ब्लॉग, लेकिन आप तो फिर भी देखोगे, तो देखते रहो।